नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। आज हम आपको लेके चलेंगे मथुरा वृंदावन और मेन आपको दिखाएंगे गोवर्धन की परिक्रमा के बारे में बताएंगे। ये परिक्रमा क्यों की जाती है, कब शुरू हुई, कितने किलोमीटर की है, हर तरह की बात हम आपको गोवर्धन के बारे में बताएंगे। राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे। राधे राधे जी, राधे राधे, सबको राधे राधे, राधे राधे, जय जय श्री राधे। दिल मेरे ले गया सांवरिया, ओढ़ के काली कामलिया है। दिल मेरा ले गया सांवरिया, ओढ़ के काली कामलिया। और इस तरह भजन कीर्तन के साथ हमने अपनी यात्रा शुरू की मथुरा वृंदावन की। जय जय श्री राधे। दोस्तों, मैं खड़ा हूँ वृंदावन की पार्किंग में, जो कि बांके बिहारी मंदिर से लगभग 7 किलोमीटर पहले है। पहले इन गाड़ियों को रुक्मणी पार्किंग तक जाने दिया जाता था, लेकिन अब इन गाड़ियों को पहले ही रुकवा दिया है, क्योंकि शनिवार इतवार को बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है, बहुत ज़्यादा रश रहता है, और आज तीज का त्यौहार भी है, इसलिए बहुत ज़्यादा भीड़ रहने वाली है। इसलिए लगभग 7 से 8 किलोमीटर पहले इन गाड़ियों को रुकवा दिया गया है। यहाँ से जो हमारी सवारियाँ थी वो ऑटो रिक्शा या रिक्शा में चली गई हैं, जो यहाँ से लगभग 50 रुपये एक सवारी का भाड़ा है। गोवर्धन की परिक्रमा के बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। ये कब शुरू हुई, क्यों शुरू हुई, किस लिए की जाती है, किसने शुरू की, इससे कितने किलोमीटर की है, इससे रिलेटेड सारी बातें हम आपको बताएंगे। दोस्तों, चल पड़े हैं अब हम गोवर्धन की तरफ। मेरा वृंदावन कितना अच्छा लग रहा है, रात का दृश्य है। तो दोस्तों, पहुंच गए हैं हम गोवर्धन। ये मंदिर है, इस स्थान को दान घाटी कहा जाता है। दान घाटी इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर कृष्ण जी ने गोपियों से मक्खन का दान लिया था, इसलिए इस स्थान को दान घाटी कहा जाता है। और परिक्रमा जो है, सबसे पहले इस मंदिर में पूजा अर्चना की जाती है, दूध चढ़ाया जाता है, और फिर उसके बाद यहाँ से परिक्रमा शुरू की जाती है। सबसे पहले इसी मंदिर में आकर हमें पूजा अर्चना करनी पड़ती है, उसके बाद ही यहाँ से परिक्रमा आरंभ होती है। इस तरह से लोग दूध चढ़ाकर पूजा अर्चना करते हैं, फूल चढ़ाए जाते हैं। तो दोस्तों, दान घाटी में पूजा अर्चना के बाद अब हम चल पड़े हैं परिक्रमा की तरफ। ये बड़ी परिक्रमा प्रारंभ होती है, ये वो मार्ग है, यहाँ से ही परिक्रमा आरंभ होती है। ये देखिए, ये यहाँ पर लोग नतमस्तक होकर शुरू करते हैं अपनी परिक्रमा को। ये देखिए, बच्चे महिलाएं कितने जोश के साथ परिक्रमा आरंभ कर रहे हैं। सबसे पहले यहाँ आकर नीचे लेट जाते हैं, दंडवत प्रणाम करते हैं श्री कृष्ण जी को, गोवर्धन जी को, फिर उसके बाद अपनी परिक्रमा शुरू करते हैं। यहाँ से पैदल
परिक्रमा शुरू होती है और पैदल ही लोग पूरी परिक्रमा करते हैं। परिक्रमा बहुत बड़ी है, 12 किलोमीटर की बड़ी परिक्रमा है और 9 किलोमीटर की छोटी परिक्रमा है। कुल मिलाकर 21 किलोमीटर की परिक्रमा है, लेकिन हमने रिक्शा से परिक्रमा करनी थी इसलिए हमने रिक्शा ले लिया और हमने अपनी परिक्रमा रिक्शा से चालू की, क्योंकि समय हमारे पास कम था इसलिए हमने रिक्शा को ही बेहतर समझा। तो हमारी परिक्रमा शुरू हुई रिक्शा में। जहाँ तक जाए अच्छा, तो गाइस जैसा कि आप देख रहे हैं बड़ी परिक्रमा है, लगभग 12 किलोमीटर की यह परिक्रमा है और काफ़ी श्रद्धालु यहाँ आए हुए हैं, भीड़ काफ़ी है। तीज का त्यौहार है, शनिवार इतवार को वैसे ही काफ़ी भीड़ लगी होती है। तो अब हम आ गए हैं परिक्रमा मार्ग पर। सफ़र बहुत लंबा है, पैदल ये यात्रा लगभग 5 से 6 घंटे में पूरी हो जाती है और रिक्शा में लगभग 1.5 से 2 घंटे का समय लगता है। और अब समय हुआ है रात के 12:20। अब हम आपको गोवर्धन की परिक्रमा के बारे में बताते हैं। द्वापर युग में श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ, उस समय यहाँ के लोग देवताओं के राजा इंद्र की पूजा किया करते थे। वो इंद्र को अपना भगवान मानते थे। इंद्र को अपने ऊपर काफ़ी घमंड हो गया था। वो गांव वालों से अपनी पूजा कराने के लिए गांव में अकाल जैसी स्थिति पैदा कर देता था ताकि लोग उसकी पूजा करें और फिर उन पर तरस दिखाकर वो बारिश कर दे। कृष्ण जी ने इंद्र का घमंड तोड़ने के लिए गांव वालों से पूछा कि तुम इंद्र की पूजा क्यों करते हो। गांव वालों ने कहा, इंद्र हमारे लिए बारिश करते हैं। कृष्ण ने कहा, वो तो उसका काम है, आज के बाद तुम इंद्र की पूजा नहीं करोगे। और कृष्ण जी ने उन्हें गोवर्धन की पूजा करने को कहा। उन्होंने कहा, जिस प्रकार हमें लक्ष्मी धन देती है उसी प्रकार गो यानी गाय के दूध से हमें स्वास्थ्य रूपी धन प्राप्त होता है और हमें उसकी पूजा करनी चाहिए। गाँव वालों ने कृष्ण जी की बात मान ली और इंद्र की पूजा बंद कर दी। इंद्र को इस बात पर बहुत गुस्सा आया और उसने गांव वालों को मजा चखाने के लिए गांव में तेज बारिश कर दी। बरसात इतनी तेज थी कि सारा गांव जलमग्न होने लगा, चारों तरफ हाहाकार मच गई, लोगों को अपनी जान बचाना मुश्किल हो गया था। तब कृष्ण जी ने अपनी लीला दिखाते हुए गोवर्धन पर्वत को अपनी चितली उंगली पर उठा लिया और सभी गाँव वालों ने उस पर्वत के नीचे शरण ली। यह देख कर भी इंद्र का घमंड नहीं टूटा और उसने तेज बारिश कर दी। पूरे 7 दिन तक कृष्ण जी ने पर्वत को उंगली पर उठाए रखा। गांव वालों को कुछ नहीं बिगड़ा देख इंद्र ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी ने इंद्र को बताया कि कृष्ण कोई साधारण आदमी नहीं है बल्कि वे स्वयं विष्णु के अवतार हैं। यह सुनकर इंद्र को अपनी गलती का एहसास हुआ और वो सीधे कृष्ण जी के पास गए, उनसे क्षमा मांगी। इस प्रकार कृष्ण जी ने इंद्र का घमंड तोड़ा। फिर कृष्ण जी ने स्वयं गोवर्धन की पूजा की और 56 भोग का प्रसाद चढ़ाया और गांव वालों को भी गोवर्धन की पूजा करने को कहा। सभी गांव वाले अपने अपने घर से प्रसाद के रूप में कुछ ना कुछ बनाकर लाए और सारे प्रसाद को इकट्ठा करके गोवर्धन की पूजा की। इस प्रसाद को अन्नकूट का प्रसाद भी कहा जाता है। तभी से दिवाली के अगले दिन गोवर्धन की पूजा की जाती है और मंदिरों में अन्नकूट का प्रसाद बनाया जाता है और तभी से ही गोवर्धन की परिक्रमा शुरू हुई। काफ़ी ज़्यादा अंधेरा है इसलिए वीडियो साफ नहीं दिखाई दे रही। अब अगला मंदिर आएगा पूछरी का लोटा, जिसके बारे में ये भाई बताएंगे। ये पूछरी का लोटा है, यहाँ भगवान श्री कृष्ण के ये सखा हैं। भगवान श्री कृष्ण द्वारकाधीश गए तो यहाँ इन्हें छोड़ गए हाजिरी लगाने के लिए। लोग आते हैं परिक्रमा करने के लिए, लोग हाजिरी लगाते हैं यहाँ। आपने सुना ये पूछरी का लोटा है और यहाँ जो भी परिक्रमा करता है, परिक्रमा जब भी पूरी होती है जब यहाँ पहले मत्था टेक लेता है, तो ये कृष्ण जी के सखा थे। रास्ते में और भी बहुत सारे मंदिर हैं, जिस तरह राधा कुंड है, कुसुम सरोवर है, और भी बहुत सारे मंदिर हैं, तो हम सारे मंदिर नहीं दिखा पाएंगे क्योंकि रात बहुत ज़्यादा है और रात में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, अंधेरा बहुत है। और अब हम पहुंच गए हैं मानसी गंगा। ये मानसी गंगा का एंट्रेंस गेट है, यहाँ से हम अंदर जा रहे हैं और यहाँ प्रसाद की दुकानें हैं काफ़ी सारी, यहाँ से प्रसाद लेते हैं। दूध के गिलास रखे हुए हैं। ये अंदर गिरिराज पर्वत है जिन पर ये चढ़ाए जाते हैं, फूल हैं। और इस तरह हम अंदर की तरफ जा रहे हैं, वहाँ दिखाते हैं दोस्तों आपको कि क्या है। Thank you.
इसे मानसी गंगा इसलिए कहा जाता है क्योंकि कृष्ण जी ने इन्हें अपने मन से प्रकट किया था, इसलिए इन्हें मानसी गंगा कहा जाता है। मानसी गंगा में पुरुष घाट है, यहाँ पर पुरुष स्नान करते हैं और इधर महिला घाट है, उधर पीछे महिला स्नान करती हैं। ये है मानसी गंगा, यहाँ पर नहाने के उपरांत फिर सुबह धान घाटी पे गोवर्धन जी को दूध चढ़ाया जाता है। मानसी गंगा में स्नान के बाद ये साथ में ही मानसी गंगा मंदिर है और इस मंदिर में गंगा जी का जल और दूध मिलाकर और फूल मिलाकर यहाँ श्रद्धालु चढ़ाते हैं। ये देखिए, ये गिरिराज जी विराजमान हैं, यहाँ पर लोग प्रसाद चढ़ा रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं और अपनी यात्रा सफल कर रहे हैं। और इस तरह से परिक्रमा यहाँ समाप्त होती है। जो पैदल चलने वाले हैं यहाँ मत्था टेक कर अपनी परिक्रमा को समाप्त करते हैं और इसके बाद गिरिराज जी मंदिर में जाकर फूल अर्चना प्रसाद चढ़ाते हैं और अपनी यात्रा को सफल करते हैं। ये गिरिराज जी का मेन मंदिर है, यहाँ पर लोग दूध चढ़ाएंगे। ये सुबह 4 बजे खुलता है, अभी बंद है और लोग इसके खुलने का इंतज़ार कर रहे हैं। जैसे ही मंदिर खुलेगा लोग अपनी पूजा अर्चना शुरू करेंगे। और जयकारों की गूंज के साथ द्वार खुल गए हैं। अब यहाँ पर पहले साफ सफाई होगी, फिर पूजा अर्चना की जाएगी, भक्तों को अंदर आने जाने दिया जाएगा। दोस्तों, इस तरह मंदिर में साफ़ सफाई के बाद पूजा शुरू हुई, लोगों ने पूजा की और अपनी यात्रा को सफल किया। और इस वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं। और आपको दोस्तों, अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय श्री राधे, जय श्री राधे।